ऑनरेबल संदीप पाठक। सभापति महोदय, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो 2001 में सरकार ने पास किया था, उसमें कुछ रेगुलेटरी पावर लाने के लिए इस अमेंडमेंट बिल को प्रपोज किया गया है। सभापति महोदय, इस बिल में चार प्रमुख हिस्से हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहला तो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ये दूसरे देशों में ऑलरेडी कई सालों से चलता आ रहा है और काफी सक्सेसफुल मॉडल है। दूसरा, इसमें जो पैरामीटर है वो है ऑब्लिगेशन टू यूज रिन्यूएबल मिक्स। तीसरा जो है ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड है, और चौथा पार्ट जो है वो व्हीकल में जो फ्यूल यूज होते हैं उनसे रिलेटेड है। ओवरऑल ये तीन हिस्से हैं जिनको रेगुलेटरी बॉडी में लाने के लिए ये बिल प्रपोज किया गया है, और इनको ओवरऑल रेगुलेट करने के लिए एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सरकार क्रिएट कर रही है। सर, एट द आउटसेट मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ इस बिल के लिए। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, फिर भी ये बिल आगे भविष्य को निर्धारित करेगी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैसे यूटिलाइजेशन होंगे और कैसे उस पर देश प्रगति करेगी। लेकिन सर, मुझे ये लगता है इस बिल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पावर मिनिस्ट्री की तरफ से क्यों आ रहा है, ये रिन्यूएबल या फिर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आना चाहिए। इसमें क्लियर कट कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्पस और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि आप रिन्यूएबल में आप कन्वेंशनल सोर्सेज से जो एनर्जी आती है उसको आप कट डाउन करना चाहते हो और सारा शिफ्ट करते हो रिन्यूएबल में। पावर मिनिस्ट्री ये बिल आ रही है तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ऑफ पर्पस और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इट शुड बी बेटर फिक्स विद द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, दैट इज नंबर वन। दूसरे, इसमें एक पॉइंट और है कि जो कार्बन क्रेडिट की जो ट्रेडिंग होगी, इससे पहले ऑलरेडी एनर्जी सेविंग की क्रेडिट्स है, तो क्या ये दोनों इंटरचेंज होंगे, एक्सचेंजेबल होंगे? इस पर क्लैरिटी नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ड्वेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे बिल बार बार नहीं ला सकते। आप एक बार लेके आएंगे फिर पाँच साल के बाद ये बिल नहीं लेके आ सकते। आज इस देश को ज़रूरत ये है कि जो भी बिल लेके आए बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन के साथ लेके आए, ताकि आने वाले कई डेकेड्स तक उसकी ज़रूरत ना पड़े, नंबर वन। दूसरा पॉइंट जो है सर, ऑब्लिगेशन टू यूज़ द रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें ऐसा है कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर हैं, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये कंपलसरी किया जा रहा है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को कन्वेंशनल एनर्जी के साथ मिक्स करके यूज करेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसमें ये समझना पड़ेगा कि क्या उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब अगर मैं एक सीमेंट कंपनी चलाता हूँ, मैं डिस्कॉम से एनर्जी लेता हूँ, मेरे पास सिर्फ वही एनर्जी आ सकती है, मेरे पास अगर रिन्यूएबल एनर्जी मैं लूंगा कहाँ से? तो ये सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। सिर्फ नियम रेगुलेटर रेगुलेशंस बनाने से इंप्लीमेंटेशन इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। तीसरी चीज जो है सर, इसमें इसके डिटेल्स की बहुत कमी है। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और अच्छा बिल है, लेकिन इसमें डिटेल्स जो है बिल्कुल ही कम है, तो इतने कम डिटेल के साथ जाना, दैट इज समथिंग गवर्नमेंट मस्ट पोंडर अपॉन। द थर्ड पॉइंट इज सर वेरी इंपॉर्टेंट, इज अबाउट दी ग्रीन बिल्डिंग। आई मस्ट टेल यू, विदेशों में भी अभी ग्रीन बिल्डिंग के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। इंडिया में अगर हम ये बिल आज लाते हैं तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं इससे पहले, मेरा बैकग्राउंड साइंटिस्ट का ही रहा है, मैं IIT में प्रोफेसर था, इससे पहले मैं कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, MIT में रिसर्च करता था, एंड फॉर्चुनेटली हैपन टू बी इन द सेम फील्ड, सो आई कैन टेल यू दैट ग्रीन बिल्डिंग में अभी टेक्नोलॉजी उतना प्रोग्रेस किया नहीं है, हमारे देश में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो इसका ओवरऑल पॉइंट ये है कि 100 किलोवाट से ज़्यादा जो प्राइवेट बिल्डिंग्स रहेंगे वो सारे इसके ज्यूरिडिक्शन पे आ जाएंगे। तो आर वी रेडी विद दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या हमारा पूरा सिस्टम रेडी है इनको ब्रिंग इन करके उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए? इसमें भी सर डिटेल्स की काफ़ी कमी है। और एक पॉइंट और आता है कि कॉस्ट, जो ग्रीन बिल्डिंग के लिए आप कंपलसरी इन्फोर्स करेंगे तो कॉस्ट कौन बियर करेगा? ग्रीन बिल्डिंग बनाना तो इजी है, टेक्निकली आई कैन साइट फ्यू पैरामीटर्स कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन्हें पैसा पैसा का, तो ये कितना प्रैक्टिकल है ये देखना पड़ेगा। और चौथा जो है व्हीकल वेसल और जो फ्यूल के कॉम्पोजिशन है कि उसमें थोड़ा सा बायोफ्यूल्स मिला दे, थोड़ा ये फ्यूल मिला दे, दैट इज फाइन, दैट मस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होते रहना चाहिए फ्यूचर में। सर ओवरऑल मैं दो तीन चीजें ही कहना चाहता हूं। हमारे देश में मुझे ये लगता है कि रेगुलेशंस फॉर्म और फ्रेम करने में हम लोग सही सलामत कर लेते हैं, जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है वहाँ पे हम अटक जाते हैं।
और सिर्फ एक मंत्रालय अकेले इसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे चार पैरामीटर है सर जिसके माध्यम से ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। पहला है सब्सिडी कि सरकार किस सेगमेंट को कितना सब्सिडी देती है। दूसरा है टैक्स, आप किस सेगमेंट को कितना टैक्स लगाते हैं। तीसरा है एक इंडाइसेस है कि इन्वेस्टमेंट किस इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसमें कम। तो अगर मैं देखूं तो सब्सिडी के मामले में रिन्यूएबल, ओवरऑल रिन्यूएबल कह रहा हूं मैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल रिन्यूएबल में सब्सिडी कम हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल में सब्सिडीज बढ़ रही है। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द ओवरऑल पर्पज। नंबर दो, टैक्स अगर आप देखेंगे तो टैक्सेशन जो है, टैक्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए बाकी के सेगमेंट्स में टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल में टैक्स घटते जा रहे हैं, ये भी पर्पस डिफीट करता है। चौथा जो सर इंडाइसिस है कि कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कन्वेंशनल एनर्जी से जुड़े हुए सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स हायर आ रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है। तो सरकार का अगर हम ये कहते हैं कि भाई हमें ये सारी चीजें करनी है तो ये एड्रेस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि उस सेगमेंट को उसमें बेनिफिट नहीं दिख रहा होगा, डिमांड नहीं होंगे उसके, तो हमें डिमांड जनरेट करने पड़ेंगे, उसमें बेनिफिट होना चाहिए कंपनी को। और सर इसमें एक और चीज है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है इंपोर्ट ड्यूटी की मैं बात करूं तो सोलर पैनल जो है, सोलर पैनल चाइना से पहले इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, इंपोर्ट रिड्यूस हो गया है। देश में सिर्फ दो तीन प्लेयर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कौन प्लेयर है, सिर्फ वही दो तीन प्लेयर ही सोलर पैनल बना रहे हैं। अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर खड़े करने पड़ेंगे और छोटे छोटे प्लेयर्स भी बनाने पड़ेंगे। सोलर पैनल को अगर आपको वाइड स्प्रेड करना है तो बहुत सारे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ओवरऑल सर एक चीज और है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप जैसे ग्रीन बिल्डिंग लेके आ रहे हो, आप फ्यूल को मिक्स कर रहे हो, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में जो फंडिंग जाती है वो धीरे 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 कम हो रहा है। हम रिसर्च ही नहीं करेंगे, हम उस पर सब्सिडी नहीं देंगे, हम उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे और फिर हम एक दो प्लेयर को ही प्रमोट करेंगे। सर ये सारे पैरामीटर्स हमारा जो पर्पज़ है उसको डिफीट करता है। तो रेगुलेटरी बॉडी इज फाइन, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर। एट द आउटसेट अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू द गवर्नमेंट। 1% भी अगर प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेस इज ऑलवेज अ प्रोग्रेस, वी ऑल अप्रिशिएट दैट, वी ऑल वेलकम दैट, बट आई बिलीव दैट इफ यू रियली वांट टू सक्सीड और नंबर वन बनना चाहते हैं अगर दुनिया में, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। पहला हम स्लो चल रहे हैं, दूसरा हम इनसफिशियंट है, और तीसरा इस पर मुझे तो लगता है एक सेपरेट सेशन आना चाहिए। उस पूरे सेपरेट सेशन में सिर्फ जितने अमेंडमेंट्स हैं छोटे छोटे टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल एक साथ ही खत्म करते हैं ना, छोटा 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 आएगा, फिर वो डिबेट होगा, फिर वो जाएगा, उससे हाथ पे कुछ नहीं आने वाला है। हम 20 साल 25 साल लेट चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप पाठक जी।